जिलाधिकारी के विजयन पांडियन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी का भ्रमण किया और वहां के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम के विजयन पांडियन ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए चौकी प्रभारी गौरव कन्नौजिया को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर मुहैया कराया। जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज से चलने वाले एम्बुलेंस को किराया निर्धारित करने के साथ प्रीपेड टैक्सी चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी और एसएसपी ने मेडिकल कॉलेज गेट के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये फुल कैसे किया ग्लव्स का मतलब? ये मास्क का यहाँ गाड़ी के लिए बड़ा पैसा नहीं किया। यहाँ से मरीज को जो मास्क का डब्बा क्या मिला? अब क्या गाड़ी को अलग रेट दे करके तू फिक्स क्यों नहीं किए? कितने भी किलोमीटर है सर, लंबी दूरी जा रहे हैं, 100 किलोमीटर जा रहे हैं। उससे नीचे लेगा तो ठीक है, तो ऊपर ना ले। जी जी, तो और रहता है लोग सर। एक मैंने मैसेज भी किया सर, पेशेंट्स आते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, ये परेशानी है। इसका हम लोग एक छोटी सी वो क्यों प्रीपेड टैक्सी क्यों नहीं? मास्क और सैनिटाइजर वाला भी डब्बा दो। एक इतने से नहीं फोटो अच्छी आई। जान घर बना रहा डीएम साहब ने मेडिकल चौकी का भ्रमण किया। हम देखिए आपका हाथ का सैनिटाइजर और जनीत का काम और कंप्लीट कर दिया है हमारे। ये तो ये आने में ये आए कुछ बिल्कुल नहीं है, थोड़े उनको पहले चाहिए है। इतने झमट्टा मारता है, आदत से मजबूर है। ये हो गया, वो सारे वो ठेले यहाँ दिखने नहीं चाहिए। वो ठेले सर, वो शौचालय में जो ये मेडिकल दुकान चल रही थी, मैं पर्सनली नहीं जाकर दोबारा आ गया। फायदा क्या है?